नमस्कार, मैं हूं कंचन। आपके अपने रेसिपी प्लानर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वादिष्ट खिली खिली चिकन बिरयानी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरीके से इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि आपकी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बन जाए और आप उसका पूरा मज़ा ले सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ करके लिया है, और साथ ही साथ आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चिकन की क्वांटिटी आप 700 ग्राम से ऊपर और 1 किलो के अंदर ले लीजिए आधा किलो राइस के लिए। ये प्रमाण आपका बराबर बैठेगा और बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी चावल थोड़ी देर हम साइड में रखते हैं, और सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली है। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे कलर अच्छा आता है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ली है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पे है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो देख के बना लीजिए या फिर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और स्वादानुसार नमक, 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 150 ग्राम दही लिया है। ये गाढ़ा दही है, मैंने दही का पूरा पानी निकाल के लिया है, और इसमें आधा नींबू का जूस डालेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा बड़ा साइज का बर्तन ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर पाए। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको हम ढक के 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट जरूर कीजिए। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े साइज के 4 प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरीके से लंबे स्लाइस में काटा है, और अभी हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कीजिए और हाई फ्लेम पे प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से प्याज कुरकुरे बनेंगे। अब इनका गोल्डन कलर हो गया है, हम बाहर निकालते हैं। प्याज फ्राई किया था वही तेल हम पतीले में डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है और अभी उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अभी जीरा भून चुका है, और अभी मैंने यहाँ पे 2 टमाटर और 1 प्याज को मिक्सी में दरदरा पीस के लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। अभी टमाटर और प्याज का पानी सूखने तक हम भुनेंगे। अभी टमाटर का पानी थोड़ा सूख गया है, अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, और ढक के हम चिकन को पकने देते हैं। अभी चिकन पक रहा है, तब तक हम दूसरी तरफ चावल पकाते हैं। और मैंने चावल को धो के इसके अंदर पानी डाल के रखा है, और अभी इनको हम आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं। इसके लिए मैंने पानी रखा है गैस पे, और अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, और अभी पानी को उबलने देते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चक्री फूल, 1 जावित्री का टुकड़ा, 10 काली मिर्च के दाने, 5 लौंग और 4 हरी इलायची, ये सब इसके अंदर डालेंगे। स्वादानुसार नमक, नमक हमें डबल क्वांटिटी में डालना है क्योंकि बाद में हमें चावलों को पानी में से निकालना है। अभी इसमें डालेंगे आधा नींबू का जूस। चावल में नींबू जरूर डालिए, इससे चावल खिले खिले बनते हैं। अभी इसको उबाल आने देते हैं। पानी को उबाल आ गया है, और अभी इसमें डालेंगे ये भिगोए हुए चावल। ऐसे ही खोलते हुए उबलते हुए चावलों को हम पकाएंगे, लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे नहीं पकाना है। अभी करीब 80% चावल पक चुके हैं। अभी हम चिकन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चिकन भी अभी पक चुका है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और दोनों चीजों को नीचे उतारते हैं। अभी हम इसके लेयर बनाएंगे। अभी चावलों को पानी में से निकाल के इस चिकन के ऊपर डालेंगे, और मैंने यहाँ पे दूध में केसर डाल के रखा था, ये इसके ऊपर डालेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे घी। घी की वजह से चावल सूखते नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि सारी चीजें इसके अंदर आप डाल सके। और अभी इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, साथ ही साथ बारीक कटा हरा धनिया, और हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर डालेंगे। फिर से ये चावल डालेंगे, मैंने अभी सारे चावल डाल दिए हैं। फिर से केसर वाला दूध, फिर से घी, फिर से पुदीने के पत्ते, फिर से बारीक कटा हरा धनिया, फिर से फ्राई किया हुआ प्याज। ये देखिए, हमने इसमें लेयर लगा दिए हैं। बिरयानी के लिए दही, नींबू, पुदीना, फ्राई किया हुआ प्याज, घी, ये चीज़ें आप ज़रूर ऐड कीजिए। इसी से बिरयानी का स्वाद और कलर बढ़ता है, और खिली खिली भी बनती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, और ये सारी चीज़ें आसानी से हमारे पास मिलती भी है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अभी हम इसको ढक के और 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देते हैं। तो सबसे पहले हम 2-3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद फिर लो फ्लेम करेंगे, और लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं।
अभी 5 मिनट हो चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये तैयार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है और खिली खिली बनी है। आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।